विपक्ष नेताओं पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपने लोगों को प्यासा से रिहाई करो, रिहाई करो, रिहाई करो, रिहाई करो, रिहाई करो। अरे रिहाई तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना। अरे साथी रजनीकांत को बेशर्त रिहा करो, करो, नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। छात्र नेता रजनीकांत की रिहाई को लेकर आज खगड़िया कलेक्ट्रेट के सामने AISF के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उन कार्यकर्ताओं का कहना है कि झूठे मुकदमा में रजनीकांत, जो कि जन वितरण प्रणाली व भ्रष्ट डीलरों के खिलाफ लगातार मुखालफत करते नजर आ रहे थे, उन्हें झूठे मुकदमा में फंसाकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। और ऐसे में इन लोगों का माने तो अब ये लोग उग्र आंदोलन करने के लिए उतारू हो रहे हैं और जिला प्रशासन से वो मांग कर रहे हैं कि इन तमाम मामलों की बारीकी से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिरकार किस तरह से रजनीकांत के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। और वहीं क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों का, जरा आप सुन लीजिए। मेरा नाम सुशील है, AISF संगठन के नेशनल सेक्रेटरी है। आप जानते हैं कि आज विद्यार्थियों के यहाँ धरना चल रहा है और यह धरना जो छात्र नेता रजनीकांत AISF के जिला सचिव हैं उनको फर्जी मुकदमे में फंसाकर जिला प्रशासन ने राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया है। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन एक तरफ तो कालाबाजारी जो डीलर हैं उनको संरक्षण देती है, दूसरे तरफ जो जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनको किसी न किसी बहाने जेल में बंद करके उनको जेल भेज रही है। हम कहना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में इसे हम मंजूर नहीं करेंगे और इसके खिलाफ ज़रूरी होगा तो हम आर पार के संघर्ष में जाएंगे, पूरे राज्य में इसको लेकर आंदोलन हम उठाएंगे। रजनीकांत पिछले दिनों वहाँ सही रेट मिले और सही रेट मिले इसको लेकर वह PDS सिस्टम में जो डीलर लोगों के साथ मनमानी चल रही थी वह जनता के साथ जुल्म के खिलाफ जनता के साथ खड़ा होने का इन्होंने काम किया। इनका जुर्म यही है और इसी कारण इनको फर्जी मुकदमा में जेल में बंद किया गया, बहुत ही राजनीतिक साजिश के तहत बंद किया गया है, SC ST एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। हम कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर मुकदमा अगर हुआ है जिला प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से इसको जांच करनी चाहिए थी, तो जिला प्रशासन उल्टे जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उन्हीं को जेल में भेजती है और जो कालाबाजारी लोग हैं उनको संरक्षण देती है। इसी खिलाफ आज हमारा आक्रोश है, हम आज धरना पर बैठे हुए। AISF एवं शहीद आजम भगत सिंह छात्र नौजवान सभा खगड़िया के बैनर तले छात्र नेता रजनीकांत पर SC ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा करके जेल में बंद कर दिया गया है, उसी के विरोध में आज हम लोग समरणालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उनको रिहा करने की हम लोग मांग करते हैं। साथ ही इसके साथ साथ हम लोग शैक्षणिक रास्ता के सवाल को लेकर कोसी कॉलेज में बरसों से बंद पड़े हॉस्टल को चालू कराने के सवाल को लेकर, सभी विषय की PG की पढ़ाई के सवाल को लेकर, शिक्षा और रोजगार की गारंटी के सवाल को लेकर हम लोग आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं छात्र नौजवान सभा के जिला संरक्षक AISF खगड़िया का जिला अध्यक्ष, हमारे साथी रजनीकांत कुमार को फर्जी मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप जानते हैं कि हमारे साथी रजनीकांत जो है अलौली प्रखंड के अंदर जो है डीलरों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और डीलरों ने साजिश करके बैठक करके पासवान जाति को डीलर को आगे किया और उससे ST ST में मुकदमा दर्ज कराया गया और जांच करने की जिम्मेवारी जिस प्रशासन को दी गई थी, जिस पुलिस सभा में आकर के मामले को सही ठहराया और फर्जी मुकदमे में हमारे साथी की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि अगर FIR हुई है तो निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच हो और जांच करके इनको बिना शर्त रिहा किया जाए और साथ ही जो फर्जी मुकदमा करने वाले हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए।